हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। एक आता था ना एक ऐड कि आपने किया तो लाइफ झिंगा लाला। तो इस तरीके से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आप इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। बट इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी सारी पुरानी वीडियो देखो और उसमें काफ़ी सारे अलग अलग शेयर्स के बारे में मैंने बताया है, तो वो भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं। इसके अलावा आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो आइए हम पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो ये पहला वीडियो है, इसके बारे में आपको पहले मैं आपके रिटर्न दिखाना चाहता हूँ उस स्टॉक के। तो आप वन डे का रिटर्न देख लीजिए, 2.13% की गिरावट है। वन वीक में 2.25% की गिरावट है। बट इसके बाद देखिए, वन मंथ 16% को प्रॉफिट, थ्री मंथ्स में 47% को प्रॉफिट, सिक्स मंथ में लगभग 67% का प्रॉफिट, ईयर टिल डेट 67 एंड वन ईयर में 109% का प्रॉफिट। मतलब आपका एक साल में पैसा डबल, दो साल में 215% का प्रॉफिट, तीन साल में 169 का प्रॉफिट, फोर ईयर में 286% का प्रॉफिट एंड पाँच साल, इस कंपनी को लिस्ट हुए भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, केवल पाँच साल में इसने 544 मतलब 544% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है। मतलब एनुअली देखो तो 100% के रिटर्न ये दे रहा है। और ये ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि जिस चीज़ में ये डील करती है वो चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ती है। तो हम पहले जान लेते हैं उस स्टॉक के बारे में, आपको बता देता हूँ। उस स्टॉक का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुथूत फाइनेंस। ओके, मुथूत फाइनेंस इस कंपनी का नाम है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसके अलावा अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 73.43% के शेयर है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर 14.56% की होल्डिंग रखते हैं, म्यूचुअल फंड 6.07% की, इंश्योरेंस कंपनी 0.51% की, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है जो 0.75% की, और नॉन इंस्टीट्यूशन 4.68% की इसमें होल्डिंग रखते हैं। तो ये आप होल्डिंग भी देखिए कितनी अच्छी, इसमें अच्छे फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छी है। तो आइए हम इस स्टॉक के बारे में आगे और बात कर लेते हैं। आज का परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 2.41% की इसमें गिरावट है। ओके, बट इसका और इसके अलावा 5 डेज का एक बार देख लेते हैं चार्ट। तो 5 दिन पहले मतलब 28 जून को ये शेयर 1400 के आसपास चल रहा था, 1400 रुपये के आसपास चल रहा था, जो कि आज 1271 पे चल रहा है। इसके अलावा हम वन मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1100 का शेयर चल रहा था, 1400 पे पहुंचा, जैसे कि बताया था। सिक्स मंथ का परफॉर्मेंस आपके सामने है, ईयर टिल डेट का आपके सामने है, वन ईयर का आपके सामने है, फाइव ईयर का आपके सामने है, और मैक्सिमम भी एक बार देख लेते हैं। तो 2011 में जब ये कंपनी यहाँ लिस्ट NSE में लिस्ट हुई थी, तो आप जैसे कि देख रहे हैं 175 रुपीज़ का एक शेयर हुआ करता था, और आज 2020 में ये शेयर लगभग 1400 के आसपास पहुंचा है। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं ऑलवेज आपको बताता हूं कि अगर शेयर चार्ट का पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है। ओके, तो आगे हम एक बार इसके आज की परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो 52 वीक लो इसका 476 रुपीज़, मतलब 24 मार्च को ये केवल 476 रुपये में आपको मिल रहा था, 476 रुपये में। मतलब अगर आपने तब इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका पैसा 3 गुना हो चुका होता। इसके अलावा 52 वीक हाई अभी इसने 3 दिन पहले लगाया है, 1405 रुपये। आज के डिलीवरीज़ की बात कर लेते हैं, तो 25.28% लोगों ने आज इसका माल उठाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है। इसके अलावा एक बार हम इसके बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिजर्व्स, इसके रिजर्व्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ये रिजर्व्स इसके 2016 में 52.20 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 61.16 करोड़ के रिजर्व्स, 74.11 करोड़ के रिजर्व्स, 2019 में 93.92% के रिजर्व करोड़ के रिजर्व, और आज 2020 में 11,170 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स। तो आप देख रहे हैं रिजर्व्स किस तरीके से इंक्रीज होते जा रहे हैं इसके, हर साल ये कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा लोन की, इसके डेट की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये फाइनेंस में डील करती है, तो फाइनेंस में ऑलवेज ही कंपनी का काम ही लोन देना है। ओके, तो काम लोन देना है तो उसके ऊपर डेट तो हो गई, बट इसका डेट किस तरीके, एक सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन का मतलब क्या है कि ये गोल्ड लेके पैसा देती है। तो आपने अगर 1 लाख रुपए लोन लिया है तो आपने 1.5 लाख रुपए का उसे गोल्ड दिया है, और गोल्ड की कीमत जितनी बढ़ेगी ये शेयर उतना ही भागेगा, और ये बहुत अच्छी कंपनी है जो कि फ्यूचर में रिटर्न बहुत अच्छे देगी। जब मैं छोटा था तब 5,000 रुपये का, 5,000 तोला सोना आता था, आज 52,000 का सोना है, और आगे से आगे आने वाले 10 और 15 साल में 1 लाख के आसपास गोल्ड की कीमत होगी, क्योंकि यूनिवर्स में गोल्ड की कीमत कितनी है, यूनिवर्स में लोग गोल्ड को रिजर्व करके रखते हैं इसीलिए, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है। ओके, तो लोग यहाँ पर डेट हमेशा बढ़ रहा है, तो डेट तो हो गई जैसे कि ये लोन में काम करती है। इसके अलावा अगर हम इसके कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस की तरफ एक बार नज़र देख लिए, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना बेहतरीन है। 16 में 679 करोड़ का था, फिर 1534 करोड़ रुपीज़ का हुआ, फिर 17 में 486 करोड़ का हुआ, फिर 19 में 1735 करोड़ का इसका इसका कैश एंड बैंक बैलेंस हुआ, और आज की डेट में 2020 में 5640 करोड़ रुपीस का इसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न बेहतरीन, ओके, इसके अलावा रिजर्व्स बेहतरीन, कैश एंड बैंक बैलेंस बेहतरीन, रिटर्न बेहतरीन, ओके, और जिस चीज़ में ये डील करती है गोल्ड में, तो वो भी चीज़ बेहतरीन। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और एक लंबे समय के लिए इसे होल्ड करते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आपके रिटर्न्स मल्टी बैगर हो जाएंगे, आपके रिटर्न्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, आपके पैसे जरूर बहुत ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसमें अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। तो एक बार आप भी इसके बारे में स्टडी करिए, ओके, और बहुत अच्छा ये रिटर्न आपको फ्यूचर में देने वाला स्टॉक है। तो आज वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिन लोगों के साथ, ताकि उनके पास भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी आगे इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।